लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाँ बाबा, और लिखो बिजली का बिल। बिजली का बिल लिख लिया। हाँ जानी बाबा, बताओ कितना हो गया है? बिजली के बिल को मिला के पूरे 4 लाख रुपए। बाबा 4 लाख रुपए, तुम पागल तो नहीं हो गया है? अरे बाबा ये क्या लिखा है? आजा बाबा, खैर है जो भी है, बताओ आगे बताओ। सर मैंने तो वही लिखा जो आपने मुझे बताया, सारी चीजें वही हैं। सर इसमें बहुत सारी चीजें तो मैंने अभी लिखी नहीं है। अरे बाबा अब क्या रह गया जानी? जैसे मेहमानदारी, चाय, पापे, इसके पैसे तो मैंने लिखे ही नहीं। अरे बाबा 4 लाख में तो हमारा पूरा गोट गुजारा कर ले, वो भी 2 महीने। किस दौर की बात कर रहे हैं, अब तो बहुत महंगाई हो गई है। अरे बाबा चुप कर जानी, तुझे नहीं मालूम वहाँ लोग जो है ना फजूल चीजों में पैसा नहीं उड़ाते। हाँ ये तो है, तो कब जा रहे हैं वापस? अरे बाबा वो तो मुमकिन ही नहीं। क्यों नहीं, किसी ने रोका क्या? अरे बाबा और किसने, तुम्हारी मैडम ने। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, गाँव से तो उनको एलर्जी है। अरे बाबा फिर भी कोई हल तो निकालना होगा ना, बहुत खर्चे हैं बाबा। तरकीब है मेरे पास एक। वो क्या बाबा? देखिए ऊपर वाला मकान हमारा खाली है, देखिए कोई तो होना चाहिए ना। अरे बाबा तो उसका क्या करें? बाबा अच्छा आइडिया, बाड़ा खोल लेते हैं वहां पे। बच्चू सर हर वक्त आपको बाड़े की पड़ी रहती है। अच्छा बाबा तुम बता दो क्या करें फिर उसका? अरे उसको किराए पे चढ़ा देते। अच्छा फिर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, उससे हर महीने 1 लाख रुपया आपके पास आएगा। क्या बात कर रहा है बाबा, 1 लाख रुपए, मतलब तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह। वाह सही वाह, थोड़े से महीने कम नहीं हो सकते? हाँ बाबा कर लेते हैं, काम करते हैं, 3 महीने, नहीं नहीं बाबा 3.5 महीने कर लो, ठीक है। सीमा बेगम, वो जानी कह रहा था कि ऊपर वाला घर जो है वो हमारा खाली है, क्यों ना उसको हम किराए पर दे दें? आइडिया तो अच्छा है। हाँ बाबा आइडिया तो अच्छा है, मुझे भी कुछ अच्छा ही लगा। हैरानी की बात यह है कि ये आइडिया जानी को आया। हाँ बाबा देखो, अगर मेरे जैसा भी बंदा बोलता तो कोई बात थी। अरे बाबा आप हंस क्यों रही हैं बाबा, मैंने कोई गलत बात बोली है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना है बाबा, दे दें किराए पे? सोच रही हूँ कि फिर आइडिया अच्छा है, दे देते हैं किराए पे। बस ठीक है बाबा दे देते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बाबा घर जो है ना वो हम फैमिली को किराए पे देंगे। ये क्या बात हुई? तो बाबा यही बात हुई ना। ओहो कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप, किस दौर में जी रहे हैं? अरे बाबा वैसे तो नफसा नफसी का दौर है, लेकिन घर को किराए पे देने पर ये दौर का क्या ताल्लुक है? ओहो खुद सोचे ना, फैमिली को देंगे तो घर की हालत जल्दी तबाह कर देंगे, और अगर बच्चों है तो फल्ला एक और मुश्किल। हाँ बाबा बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रही हो, फिर क्या करें? मैं ही कह रही हूँ कि देखते हैं लोग आएंगे उनसे मिलते हैं, जो समझ आया उसको दे देंगे, बाकी फैमिली वाला जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं हमें। हाँ बाबा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं जानी को बोल देता हूँ। थैंक यू बच्चू, माय गॉड बॉय। अल्लाह नहीं। अरे बाबा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बात अब हमें ना जानी को बता देनी चाहिए। तो बुला लेते हैं उसको। हाँ बाबा बुला लो जानी। जानी पता नहीं किधर मरा वो, आ गया आ गया आ गया। किसने याद किया मुझे? अरे बाबा हमने याद किया तुम्हें। फरमाइए जानी, हम लोगों ने एक इरादा किया है, हम अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे रहे हैं। लो मुझे बता रही हैं आप, आइडिया ही मेरा। अच्छा बाबा अच्छा, इनाम की रकम तुम ही ले लेना बस। इनाम बोलते हुए बहुत चीप लगता है आदमी, कमीशन बोलते हैं उसको। हाँ लेकिन जानी पहले एक अच्छा सा किराएदार ढूंढ के, उसके लिए तो इश्तेहार देना पड़ेगा। बाबा सारे काम हम कर ले तो कमीशन भी हम ही रख लेंगे। ओ बच्चू ठीक है, जानी तुम एक काम करो, तुम फेसबुक पर इश्तेहार दो। अरे बाबा ये कपड़े बेचने का इश्तेहार थोड़ी है जो फेसबुक पे डाल दे। तो फिर मैं अखबार में ऐड दे दूं? हां बाबा अखबार में भी दे दो, टीवी में भी दे दो बाबा। बच्चा गुम थोड़ी हुआ जो टीवी में भी और अखबार में भी दे। खैर मैं कुछ करता हूं। अच्छा सुनो जानी, इश्तेहार ना अच्छा सा बनवाना है। हां बाबा हमारी तस्वीर भी अच्छी सी देना। बच्चों
ये तो हमारे रिश्ते का इश्तेहार नहीं दे रहे, घर का किराए पे डालने का इश्तेहार डाल रहे। अच्छा तो उसमें तस्वीर की जरूरत नहीं होती है क्या? नहीं नहीं है, जरूरत है। देखा, आपकी नहीं घर की तस्वीर की जरूरत है। अच्छा तो एक काम करो ना, अपने मोबाइल से तस्वीर लेकर डाल दो। मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं अभी तस्वीरें बनाता हूँ और ऐड डालता हूँ। ओके, अब मजा आ जाएगा, किराएदार ना कोई दूध वाला मिल जाए तो वाह। जानी, तुमने इश्तेहार बना दिया किराए का? हाँ बना लिया। अच्छा क्या लिखवाया है फिर उसमें? लिख के लाया हूँ मैं, कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव पर शहर के बीचों बीच। अरे बाबा जानी क्या कह रहा है, कराची एयरपोर्ट कहाँ से आ गया बाबा? हम घर किराए पे दे रहे हैं या कर्जा? कोई लेकर भागना भी चाहे तो उसको एयरपोर्ट का रास्ता दिखा रहा है, पागल हो गया है क्या? अरे वो एड में लिखा होता है ना, एयरपोर्ट से इतनी दूरी पे फला फला टिमका ये। ओहो जानी, वो ना हाउसिंग स्कीम के इश्तेहार होते हैं, तुम कुछ और सोचो। सोचा है ना, ये देखे, पुरसकून माहौल, ताज़ा आबो हवा में माहौलियाती आलूदगी से पाक इलाके में आपका अपना जाती किराए का घर। ओहो क्या बकवास है। अरे सीमा, मैंने कहा था ना ये बहुत बेकार आदमी है जानी। आप क्या हो गया? अरे बाबा इसमें ताजा और खालिस दूध का तो जिक्र ही नहीं है, क्यों सीमा? ओहो नहीं भाई, अजीब बातें कर रहे हैं आप सब। भाई किराए का घर अपना कौन सा होता है? अपना घर अपना होता है, किराए का घर किराए का। हाँ ठीक कह रही हूँ, मुझे लगता है ये मेरे बस का काम ही नहीं है। मैं काम करता हूँ, अखबार एजेंसी वालों के पास जाता हूँ, उनसे मैटर लिखवाता हूँ। मैं अभी उनसे लिखवा के लाता हूँ। बाबा जाओ, और चाय इतनी घटिया बनाई है तुमने, मजा भी नहीं आ रहा। चाय भी चीख के पीते हो, बातें भी चीख के करते हो। क्या काम है और क्यों आए यहाँ पर? जी वो मैंने तस्वीरें देखी थी। लगता है इसने मेरा फेसबुक देख लिया है, मुझसे मिल गया है। भला कैसी लगी तस्वीरें? अच्छी थी, इसलिए तो सीधा अंदर आ गया हूँ। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद आ गई। जी अच्छा ये बताए, घर ऊपर वाला खाली है नीचे वाला? अरे बाबा ऊपर की क्या बात करो, नीचे वाला क्या बदरू है, घूम रही है? तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद में हम लोग ऊपर रहेंगे, ये मेरे अदा का घर है। शादी? शादी नहीं, मैं किराए के लिए आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी है भला मेरे से इतने ज्यादा बात करने की? आप गलत समझ रही हैं, देखें। मैं गलत समझ रही हूँ, सही समझ रही हूँ? अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, सबको बुलाती हूँ, अभी देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। सीमा, अदा, जानी, बाहर आ जाओ जल्दी से। अरे बाबा क्या हो गया जरीना, गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रही है? अदा इसको देखो, मैं इससे शादी की बात कर रही हूँ और ये मेरे से किराए की बात कर रहा है। अरे बाबा तुम्हारी इतनी मजाल। नहीं मैं तो किराए के लिए घर देखने आया हूँ। मुझे लगता है आप इश्तेहार देख के आए हैं। जी जी। अरे तो आप खड़े क्यों बैठी है ना? कोई जरूरत नहीं बैठने की, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। ये हमारा किराएदार नहीं बन सकता, ये बहुत बदतमीज है। अरे सुनो तो मेरी बात जरीना। मैं किसी की कोई बात बात नहीं सुनूंगी, मैं बता रही हूँ। चलो निकलो इधर से। अब भाई तुम निकल लो, मुझे लगता है तुम्हारा रॉन्ग नंबर लग गया है। मैं जरा कुंडी लगा के आता हूँ। अरे बाबा इसीलिए तो कह रहा था कि फैमिली ढूंढो, कुंवारे लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता है, ऊपर से हमारे घर में उल्टे उल्टे नमूने घूमते रहते हैं। बस बाबा मैंने तय कर लिया है, ये घर हम किराए पे देंगे तो फैमिली को देंगे, वरना नहीं देंगे। बच्चू? कोई बच्चू बच्चू नहीं बाबा। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। आइए भाई आइए, आई जाए सर आप। तुम तो कह रहे थे कि फैमिली है, तुम फिर इसको उठा के ले आए हो? तो फैमिली नहीं तो क्या, लाशें पड़ी हुई है क्या? अरे बाबा ये तो वही आदमी है, साथ में इतनी लंबी चौड़ी बीवी नहीं देख रहे आप, नजर नहीं आ रही? अरे बाबा ये तो बड़ा अजीब सी बात है, लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, इसकी अचानक से बीवी पैदा हो गई है। वो असल में हुआ ये कि जब मैं यहाँ से निकला तो ये मजबूर लाचार फुटपाथ पे बैठ के रो रही थी, दुनिया में कोई नहीं है इसका, अकेली, ऊपर से मालिक मकान ने इसको घर से